हेलो फ्रेंड्स, रेज टू हेल्प में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बाइसाइकिल कंप्यूटर की सेटअप और इंस्टॉलेशन दोनों दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें मुझे ये मैनुअल मिला है, इस मैनुअल को आप ज़रूर पढ़िए, तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसके बाद में ये मुझे साथ में ये जो मेन कंप्यूटर है ये डिटैचेबल रहता है, आप इसको लगाने के बाद में निकाल भी सकते हैं स्लाइड करके। तो इसके साथ में ये इसका बेस है, तो ये आप देख सकते हैं बेस पे भी ये जो दो पॉइंट्स हैं और उसके कंप्यूटर के पीछे भी दो पॉइंट्स बने थे। और ये बेस का सेंसर है साथ में, और ये इसके साथ में मैग्नेटिक सेंसर है जिसको हम इंस्टॉल करेंगे। ये दोनों साथ में इंस्टॉल होते हैं, और इसके साथ में ये टाइज मिले हैं मेरे को बांधने के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, तो इसको यूज़ करेंगे। मेन ये है हमारा जो बाइसाइकिल कंप्यूटर है, तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें अपना बाइसाइकिल का सरकमफेरेंस डालना होता है। उसके लिए हमें सबसे पहले इसको खोलेंगे, पीछे से कॉइन से खोल लेंगे इसको। खोलने के बाद में इसके बैटरी को हम एक बार निकालेंगे बाहर। तो जैसे हम बैटरी निकालेंगे बाहर, तो इसका जो सेटअप है वो इनिशियल सेटअप आ जाएगा। तो अब हम इसको फिर से जैसे ही बैटरी को लगाएंगे इसमें, तो इनिशियल सेटअप में ये दिखाता है 2060, जिसमें जीरो जो है वो ब्लिंक कर रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है हमारे टायर का कितना सरकमफेरेंस है। मेरे टायर का सरकमफेरेंस था 700C × 35, मतलब 2168 मेरे टायर का सरकमफेरेंस था, ये इस चार्ट में लिखा हुआ है। अदरवाइज़ आपके बाइसिकल के टायर में भी लिखा रहता है। तो अभी आपको यहाँ पे जैसे आप लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये लास्ट वाला जो है ये चेंज होता रहेगा। तो मेरे 2168 करना है, 8 आ गया है। अभी हम राइट वाला बटन प्रेस करेंगे तो वो शिफ्ट हो जाएगा ब्लिंकिंग उससे पीछे वाले में 6 पे। तो ये मेरा 6 वैसे ही है, मुझे 6 ही रखना है। तो इसको अभी हम मैंने चेंज कर लिया है एक बार, अभी हम इसको फिर से 6 कर देते हैं। लेफ्ट वाले से हम इसको 6 पे लाएंगे और फिर से राइट वाले को प्रेस करेंगे जिससे वो शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट वाले पे। अभी मेरा ये देखिए 2168 आ गया है। मैं राइट वाले बटन को 2-3 बार प्रेस करूँगा तो मेरी ये विंडो आ जाएगी। अभी जो स्क्रीन आ रही है ये ओडो आ रही है, ओडोमीटर की, मतलब इसमें मुझे स्पीड दिखाएगा और टोटल डिस्टेंस दिखाएगा। अब जैसे मैं लेफ्ट वाले बटन को प्रेस करूँगा तो ये आ जाएगा डिस्टेंस में, इसमें मेरे को स्पीड दिखाएगा और करंट डिस्टेंस दिखाएगा। नेक्स्ट में मेरे को मैक्सिमम स्पीड दिखाएगा यहाँ पे कि मैक्सिमम स्पीड कितनी की है मैंने, और एवरेज स्पीड में मेरे को एवरेज स्पीड दिखाएगा। यहाँ पे TM में मेरे को टाइम दिखाएगा कि मैं करंट साइकिलिंग में कितने टाइम में चल रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे आप फिर से लेफ्ट करेंगे स्कैन आएगा, स्कैन में ये बारी बारी सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे वही अपना ओडो, फिर डिस्टेंस, फिर मैक्सिमम, ऐसे करके। तो चलिए अभी हम टाइम चेंज करते हैं। टाइम चेंज करने के लिए हमें राइट वाले बटन को 3-5 सेकंड्स तक प्रेस करके रखना है। फिर हम फिर से जैसे राइट वाले को प्रेस करेंगे तो हम इसको 12 आवर्स और 24 आवर्स में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो ये ब्लिंकिंग आ जाएगा 12 में और 19 में, हम इसको चेंज कर सकते हैं राइट वाले के साथ में। फिर से प्रेस करेंगे तो हमारा टाइम सेट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं बेस को। बेस को इंस्टॉल करने के लिए हम इसको अपने साइकिल पर रखेंगे और टाइज के साथ में बांध देंगे, इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो बेस हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। अभी हमें बेस के साथ में जो सेंसर कनेक्टेड है इसको हमें इंस्टॉल करना है, मेन चीज़ यही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें अपने जो सेंसर है इसको कहाँ पे इंस्टॉल करना है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो साथ में ये जो मैग्नेटिक सेंसर मिला है, मैग्नेटिक सेंसर में और जो दूसरा सेंसर है बेस का सेंसर है, इन दोनों में 5 mm से कम का डिस्टेंस होना चाहिए। तो उसी के हिसाब से हम देख के इसका सेट करेंगे कि हमें कि इसके रिम के कितने डिस्टेंस पे हमें इसे सेंसर को लगाना है। ये देखिए यहाँ पे मेरे को लग रहा है मिनिमम डिस्टेंस है इन दोनों सेंसर के बीच में, तो इसलिए मैं इस सेंसर को यहाँ पे फिट कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे फिट करने के लिए मैं इसको डबल टेप निकाल के यहाँ पे चिपकाऊँगा, और चिपकाने के बाद में इसको टाइज के साथ में यहीं पर बांध दूँगा। तो दोस्तों, मेरा यहाँ पर सेंसर ये जो है ये दोनों फिट हो चुके हैं, और ऊपर में बेस भी फिट हो चुका है। अभी हम वायर की रूटिंग कर लेंगे, और रूटिंग इस तरह से करेंगे जो कि टायर के साथ में कहीं पे भी हमारी वायर टच ना हो, ताकि हमारी वायर कहीं भी कटे नहीं। और हैंडल के पास में थोड़ा सा हमें वायर का प्ले रखना है, ताकि हम जब भी कभी टर्न करें तो हमारा वायर टूटे ना, थोड़ा सा प्ले रखना है हैंडल के पास में कि हमारा टर्न करने पर टूटे ना। तो चलिए अब हम अपने कंप्यूटर को इंस्टॉल करते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पर इसको स्लाइड करेंगे हल्के से, और क्लिक का साउंड आएगा। क्लिक का साउंड मतलब हमारा जो कंप्यूटर है वो इसमें लग चुका है। अभी हम क्या करेंगे, देखिए जैसे मैं टायर घुमा रहा हूँ, अगर मैं जैसे देखिए ये मैंने टायर घुमाया, तो देखिए इसकी स्पीड चेंज हो रही है, 6 हुई, 7 हुई, और नीचे में डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। तो अभी देखिए ये मेरा बिल्कुल सही इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों, ये अच्छे से चल रहा है, और इसको मैं अभी यूज़ भी कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया से चल रहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे अब आप अपना लेफ्ट वाला बटन अगर प्रेस करते रहेंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, ये देखिए। तो दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।